फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ये हो गया है 5 बजे का टाइम है, सुबह 5 बजे हैं और मैं 4:45 उठ के नहा ली हूँ क्योंकि आज अथक का एग्जाम है। हाँ, हमने अलार्म लगाया था 5:30 का, लेकिन मैं 4:45 उठ गई और नहा ली हूँ और बस अथक। और शिप्रा भी उठने वाले हैं और शिप्रा के हाथ में फ्रैक्चर है, इसलिए टिफिन मैं बनाऊंगी अथक का, क्योंकि उसको आज 2 टिफिन देने पड़ेंगे। वो जाएगा मेरे बेटे के साथ 7 बजे, क्योंकि वहीं स्कूल उसका पड़ता है ब्यास कॉलोनी में और कोचिंग भी क्षितिज की वहीं है। तो क्षितिज निकलता है 7:30 निकलता है, तो वो लेके जाएगा उसको। उसके साथ जाएंगे उसके नाना और फिर वो ब्यास कॉलोनी बैठेगा अपने दादू के घर और नाना उसको वापस लेके 11:30 बजे आएंगे। तो चलते हैं किचन में अथक का टिफिन बनाने। कहते हैं ना कि इंसान की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती हैं, तो मेरी नई जिम्मेदारी आज से शुरू है। कुछ दिनों में शिप्रा भी अपनी सर्विस ज्वाइन करेगी, तो मुझे उसके लिए भी टिफिन वगैरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहू बेटे तो अब 7:45 इसमें निकल जाते हैं। तो बस मेरा एक जो जिम्मेदारी है, नई जिम्मेदारी मेरी शुरू हो गई है। सोचा था जब ये रिटायर होंगे तो मैं आराम से सोऊंगी, क्योंकि इनकी सर्विस हमेशा ऐसी रही जब मुझे जल्दी ही उठना पड़ता था, क्योंकि ये गांवों में इनकी सर्विस ज़्यादातर रहती थी, तो मुझे हमेशा ही जल्दी उठना पड़ता था। सोचा था जब ये रिटायर हो जाएंगे तो खूब सोया करूंगी, लेकिन फिर बेटे की जिम्मेदारियाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि बेटे की भी पढ़ाई चल रही थी, उसको भी सुबह से निकलना पड़ता था कोचिंग में और फिर बाद में वो पढ़ाने लगा। जब डॉक्टर बन गया तो फिर वो पढ़ाने लगा, साथ साथ में उसने पढ़ाया डॉक्टर बनते हुए, और उसके बाद उसका काम शुरू हो गया। बहू आई तो बहू भी सुबह से जाती है, तो मेरी जिम्मेदारियां कभी खत्म ही नहीं हुई। तो आज फिर एक नई जिम्मेदारी के साथ मैं किचन में जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं किचन। अर्थात नमक के पराठे खाता है, सूखी सब्जी खाता है टिफिन में, और एक उसको दूंगी पोहे, क्योंकि उसको 2 टिफिन चाहिएंगे। एक वो अपने एग्जाम के बाद खाएगा और एक अभी जो सुबह से जल्द आएगा, तो सुबह केवल चाय बिस्किट खा के जाएगा या दूध बिस्किट खा के जाएगा। तो एक मतलब जो पोहे हैं, एक टिफिन में मैं पोहे डाल के दूंगी, तो वो जाके खा लेगा। तो अभी बनाऊंगी मैं नमक के पराठे और आटे में मैं नमक डाल। ये अथक के लिए नया टिफिन मंगवाया, हालांकि मेरे पास पुराने टिफिन थे, लेकिन मैंने उसके लिए नया टिफिन मंगवाया है। बच्चे नए टिफिन से खुश होते हैं। तो एक टिफिन ये है, एक ये गरम वाला टिफिन है जिसमें उसको पोहे दे दूंगी, पोहे गरम पड़े रहेंगे, पराठे तो थोड़े ठंडे भी अच्छे लगते हैं। ये अपने बैग में डाल देगा वो, और ये मैं उसको दे दूंगी। उसके नाना उसको अभी जाके वहाँ पे नाश्ता करवा दूंगी। Thank you.
थक के दोनों टिफिन का खाना बन चुका है, पोहे बन चुके हैं, आलू की सब्जी पराठे बन चुके हैं। अब अथक और शिप्रा उठने वाले हैं और उनके लिए मैं बनाऊंगी, अथक के लिए बनाऊंगी पहले दूध और बिस्किट, खा के जाएगा वो। तो आज का अभी सुबह का काम मेरा खत्म हुआ और आज की वीडियो भी मैं इतनी ही बनाऊंगी। आज मुझे दूसरी वीडियो बनानी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी डायबिटीज है उन्हें क्या लेना चाहिए। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और आपके जो व्यूज हैं वो दीजिएगा मुझे ज्यादा से ज्यादा। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरी वीडियो आप ही के थ्रू लोगों तक पहुंचे। तो आज की वीडियो मिलते हैं।